स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। कल से ज्यादा मूव कर रहा है ना, ज्यादा जा रहा है। वेरी गुड। पांव अंदर की तरफ मुड़ रहा है, सीधा रखें। सीधा जाना चाहिए ना। हाँ, इसको खींचो खींचो ताकत से। हाँ, अंदर नहीं जाने दे, घुटना तभी मुड़ेगा। सीधा करो। हाथ से आपको टॉवल को स्टेबलाइज करना है, ठीक है? पकड़ के रखो उसको टाइट। टाइट पकड़ो। हाँ, सरक नहीं जा रहा। आप अपने हाथ को टाइट रखो, इसको टॉवल को टाइट पकड़ो ना, ऐसे आगे से पकड़ो और पीछे से पकड़ो। और खींचो। वेरी गुड। हाथ की ताकत तो लगानी पड़ेगी। यस। अब दूसरा पांव देखो कितना जाता है। अब दोनों बराबर हो गए। वेरी गुड। अब नीचे ले आओ। देखो हाथ भी टाइट हैं आपके, आप हाथ उंगलियों से भी ताकत नहीं लगा पा रहे। इतनी अंगूठियां पहन के रखोगे ना तो उंगलियां कमजोर हो जाती हैं। जाने दो, पीछे जाने दो। और उंगलियां तो टाइट रखो ना आप। हाँ, हाथ मत छोड़ो। ये तो बना नहीं, तो भी जाएगा। अब आप जब पीछे जाएगा तो हाथ भी तो पीछे जाएगा। हाँ। है ना। दुपट्टे को थोड़ा सा हम इस तरह से घुमा लेंगे ताकि यहां से ये, और इसको पकड़ो पीछे से, खींचो 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 खींचो। नहीं बस बस, आप भी तो खींचो। चलो, कल इतने अच्छे से चला रहे थे, आज आप चला ही नहीं रहे, जबकि आज तो ठीक हो गया है। अब ये हाथों में भी ना इसको ऐसे अंटे मारो, ये हाथ से ये छूटना नहीं चाहिए, ये लूज नहीं होना चाहिए। हाँ, अब खींचो उसको, खींचो।
ठीक है आ जाओ। अरे घुटना तो पूरा पीछे चले जा चुका है, छोड़ दो। आ जाओ अब आप बैठो, बैठ के एक्सरसाइज करेंगे। अब आपको कमर नहीं मोड़नी है, एक चीज ध्यान रखिएगा, कमर सीधी जानी चाहिए नीचे। नरेंद्र वो फिर पीला वाला लाल ब्लैक मोल्ड रखते हैं, उसके ऊपर ही रखते हैं। ये टॉवल उठा लेते हैं। आराम से बैठ गया आज तो। अब सीधे ही उठना है। हाँ कोई बात नहीं, अब सीधा उठना है, आगे नहीं झुकना है। पैर और अंदर खोलो, अंदर ही तो है। सीधा उठना है, उठ नहीं पाती। कोई बात नहीं, डालो ताकत, उठ जाओगे। आगे झुकना ही पड़ रहा है। झुक जाओ, कोई बात नहीं। कहाँ, कम से कम झुकने की कोशिश करो। टॉवल कम कर दे। और कम कर दे, और कम कर। दो तीन मिनट, दो तीन मिनट। बैठो 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 बैठो। अपने पुट्ठों को इस्तेमाल करना है, घुटनों को इस्तेमाल नहीं करना है उठने के लिए, ये ध्यान रखना है। आप एक्सरसाइज एक्सरसाइज अभी किस चीज़ की कर रही हैं ये नहीं सोचना है, घुटनों की कर रहे हैं आप, अपने पुट्ठों की एक्सरसाइज कर रहे हैं ये सोचना है। तो कौन सी चीज़ चलनी चाहिए, आपके पुट्ठे चलने चाहिए, कमर कमर तो उठ तो नहीं पा रही हूँ। चलिए, कमजोरी इसी को बोलते हैं। जब तक कुछ पकड़ूंगा नहीं तब तक उठूंगी नहीं। आपकी उम्र कितनी है? 50 से अंदर ही है। अंदर ही है ना, तो 50 अभी पकड़ने की उम्र आई है तो उठ नहीं पाऊंगी ना। आप ये उठ रहे हैं ना? बैठिए, वेरी गुड। नरेंद्र खड़े हो जाएंगे, तकिए टॉवल निकाल दे, सारे सारे निकाल दे, सारे निकाल दे। पैर हाथ बंद होता है और पाँव थोड़े से दूर कर सकते हो, दूर कर सकते हो, इससे आपको ना बेस ज़्यादा मिलता है खड़े रहने में। चलो, वेरी गुड, बैठ जाओ, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। नीचे हाथ लटका दो। अब आपको पता चल रहा है कि आपका वजन क्यों ज़्यादा है? ये सारी एक्सरसाइज आप इतने महीनों से या 2 साल से कर ही नहीं रहे थे। हाँ, ये नहीं कर रहे थे, बाकी और सब हाथ पैर हिलाने वाला करते थे। तो हाथ पैर तो हिलाने वाले से वजन नहीं घटता ना, सबसे ज्यादा घटता वजन नीचे झुकने से उठने बैठने से। चलिए, वेरी गुड। ये ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस घुटनों पे हाथ नहीं लेना बस। हाँ बहुत अच्छा कर रहा है। क्या बन रहा है? ऐसे करने से लग रहा है कि हाँ नीचे जा रहा है। अब आपने किया नहीं है ना बहुत टाइम से। हाँ। पांच दिन तब होंगे जब आपका पूरा बेस बन जाएगा। नरेंद्र जी अब इसको आप उठ जाएंगे, अब दो टॉवल तीन टॉवल नीचे लगा दीजिए, निकाल दे। Thank you.
इतने स्विफ्टली उठ रहे हैं? वेरी गुड। टॉवल निकाल दें। वेरी गुड। इसके नीचे नरेंद्र दो रख दे। चलो ये पोजीशन है कि हम जमीन तक नहीं बैठ पाते। जमीन भी आएगी। अभी हम पहले तो इतने ऊंचे थे ना, अब हम इतने तो आए, अब थोड़ा सा और है वो भी हो जाएगा। ज्यादा लालच मत करना कि एकदम से जमीन पर बैठ जाओ फिर खराब हो जाएगा। ले लो जैसे चाहे वैसे सहारा ले लो। बैठिए आराम से बैठ जाएंगे। हाँ अब उठिए, पकड़ के ही उठना होगा। पकड़ के उठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बट उल्टी टांग में दिक्कत है ना। हाँ। तो उल्टा वाला हाथ लगाना है, सीधा वाला नहीं लगाना। अच्छा। और उंगली ऐसे नहीं रखते, हमेशा उंगली साथ में रखते हैं वरना हाथ दर्द कर जाएंगे। हाँ अंगूठा पीछे नहीं रखते, अंगूठे में उंगलियों में दर्द हो जाएगा। हाथ ऐसे रखिए ना ऐसे। हाँ उठिए। बल नहीं लगेगा। बल लगेगा पर फिर उंगली पीछे। अंगूठा पीछे करने से आप कैसे ठीक हो सकते हैं? कोई पकड़ता है ऐसे? बंदर के बंदर भी ना यूं पकड़ता है। हाँ वेरी गुड। बस ठीक है, अब बताइए कैसा लग रहा है आपको? हल्का लग रहा है। हल्का यानी कि किसको हल्का बोलते हैं आप? हल्का मतलब हाँ? अब आप चल के देखिए, चल के ऐसा आपको पहले कोई लचक थी क्या था? हल्का लग रहा है, जिसे पैर भारी बन था वो नहीं लग रहा है। हाँ चीज़ें बेटर हो रही हैं। आपने 5 दिन थेरेपी कराई, 5 दिन आपके लिए पैसा वसूल, टाइम वसूल है कि नहीं है? है। नहीं नहीं आप नहीं कैमरे को देख के नहीं बोलना। हाँ। हम तो ये चाहते हैं कि आप गलत बोलें ताकि लोगों को एग्जैक्ट सच्चाई। ये करिश्मा कपूर और शाहरुख खान की मूवी नहीं होनी चाहिए कि सब कुछ अच्छा ही दिखे। हाँ। जो सच्चाई है यानी मैं वो भी नहीं चाहता, बट क्या आपने इतना पैसा खर्चा, इतना टाइम लगाया, बनारस से आए, क्या वो उतना सही है या नहीं है? और आप कितने 2.5 साल से 3 साल से परेशान थे, जबकि बीमारी मेरी नज़र में 5% या 2% थी। कोई आदमी या कोई भी डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइज करा देता आप ठीक हो जाते हैं। और आपको क्या बोला गया? घुटना बदलवा लीजिए। हैं
हाँ, घुटना बदलवाने के लिए बोला गया था। क्या आप घुटना बदलवाने की स्थिति में थे या एक्सरे में ऐसा कुछ लिखा था? क्योंकि आपको घुटना नहीं चल रहा था इसलिए घुटना बदलवा लिया के लिए बोल दिया गया। हाँ। और आप मोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, आप, तो आप, आप कुछ कुछ नहीं तो 50% तो बेटर हैं पहले से या कल से ही आज में। हाँ, थोड़ा बहुत तो है रे। आपका घुटना पूरा मुड़ रहा है, जो कल तक नहीं मुड़ रहा था वो सब चीजें मुड़ना चालू हो चुकी हैं। यानी कि घुटना इससे ज्यादा नहीं मुड़ेगा। अब जो आपको मुड़ना है आपकी हिप मुड़ेगी, जो आप नीचे नहीं जा पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, वो घुटने की वजह से जो हिप टाइट हो गई है, कमर टाइट हो गई है, उसकी वजह से। अच्छा। हाँ, तो आपको धीरे धीरे, जैसे कि मैं आपकी हाइट कितनी ऊंची होती है आपको नीचे लेके जा रहा हूँ, यही अभ्यास आपको घर पे करना है। आप करेंगे आप सारी चीजें कर पाएंगे। ठीक है, तो दर्शकों को कुछ बोलना चाहोगे बोलिए। आप ही की वीडियो है, आप ही को देखनी है, आप ही के लिए बनाई है। हाँ, थेरेपी से आराम मिला है और घर जाकर एक्सरसाइज करेंगे। ये नहीं बोलवाते हम पेशेंट से, आप वो बोलिए जो आप दिल से बोलना चाहते हैं। ये हमें मार्केटिंग नहीं करवानी है आपसे। मार्केटिंग नहीं, आराम मिला है और एक्सरसाइज जो बताए वो घर पे करेंगे, थोड़ा आराम जरूर मिला है मुझे। हाँ, आराम मिला है मुझे। ऐसा भी लगता है कि आप चाहोगे तो 20-25 दिन में, महीने में पूर्ण करें, ठीक हो सकते हो। जितनी मेहनत मैंने अभी 10 मिनट में कराई है उतनी मेहनत आप दिन में एक बार कर लें तो करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एक महीने बाद मिलेंगे। ठीक है, ओके। और आपकी वीडियो आज आ जाएगी, बेटे को बोलना कि वो देख लेगा और आपके फोन में डाल देगा।